हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जी ए बाई पीयू सर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द वन स्टॉप सेंटर ऑफ जी ए जी करंट अफेयर एंड न्यूज़ दोस्तों जी हो जी हो जी हो करंट अफेयर हो न्यूज़ हो दोस्तों एक वन स्टॉप सेंटर जो है यहां पर आप लोगों के सामने जिसने हर एग्ज़ाम में आपको दोस्तों मैक्सिमम सेलेक्शन दिलाए हैं और हमेशा दिलाते रहेंगे दोस्तों ये पीयूष सर का चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जीए के लिए डेडिकेटेड चैनल है जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जो लोग पुराने हैं दोस्तों इसे शेयर करिए ताकि नए लोगों को आप जोड़ सकें कम से कम तीन दोस्तों को भेजिए ग्रुप्स में भेजिए जहाँ भी आपकी रीच है स्टेटस व्हाट्सएप वॉल स्टोरी जहाँ भी है दोस्तों पहुँचाइए मुझे और आप ही लोग मेरे हाथ पैर हैं आप ही लोग मुझे पहुँचाएंगे ठीक है तो सभी लोगों को भाई प्यार भरा नमस्कार बेस्ट 200 की क्लास हम लोग की शुरू हो चुकी है जो हर एग्जामिनेशन के लिए जो इसमें भी करंट अफेयर आता है जो भी आने वाले हैं सबके लिए टेलीग्राम चैनल है अपना दोस्तों और अपना व्हाट्सएप चैनल भी है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा मैं लिंक भेज दे रहा हूं आपको ठीक है व्हाट्सएप चैनल पर मैंने बहुत सारी आज इंपॉर्टेंट फोटोज भेजी हैं और मैंने नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि द हिंदू जो सुबह पढ़ाता हूँ न्यूज़पेपर उसकी कटिंग जो है क्योंकि फोटोज बहुत आप लोग को धुंधला दिखता होगा सुबह वाले करंट अफेयर न्यूज में तो उसकी फोटो में जो है आप लोग को हाथों हाथ भेज दिया करूंगा यानी सेशन के पहले ही वो फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा किस में मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ तो नहीं मिलता है लेकिन फोटोज जा सकती हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाता है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ठीक है ओके okay. दोस्तों गुरुदक्षिणा बैच लॉन्च हो चुका है आज से पांच बजे शाम को क्लास शुरू हो गई पहली क्लास हो भी गई तो दोस्तों ये आज से लॉन्च हुआ है सिक्स डे सिक्स मंथ करेंट अफेयर की क्लास ठीक है अब इसकी प्राइस जो है दोस्तों वो कितनी रखी गई है फोर नाइन रुपीज है आपका पी एस आर टेन कोड यूज करने के बाद आपको पड़ता है फोर नाइनटी वन रुपीज अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महंगा है बैच एक्चुअली में उनको लग रहा है कि ये जो है सिक्स डेज की क्लास है जो कि फोर नाइनटी वन में है तो उनको जो है महंगा लग रहा है अब उन विचारों को यह नहीं पता कि ये गुरुदक्षिणा बैच तेरह तारीख से चल रही है और तेरह सितंबर से चल रही है यानी इसमें ऑलरेडी पंद्रह बीस क्लासेस रिकॉर्डेड आपकी पड़ी हुई है जिसमें कि आपको तीन दिन की आरआरबी वाली मैराथन है उस समय जो तीन दिन की मैं सिक्स मंथ करंट अफेयर कराया था वो दोस्तों जो है वो समय किसी ने कॉस्टली नहीं कहा था क्योंकि तीन ही दिन बचा था और सोचने समझने की शक्ति नहीं थी मतलब हड़बड़ी थी प्यास लगी थी आज आप ग्लास के पानी का रेट पूछ रहे हैं इसका मतलब प्यास नहीं है कॉस्टली टीचर भी है और कॉस्टली जो है ये बैच भी है भाई अगर तुम्हें कॉस्टली लग रहा तो है तो कॉस्टली है ठीक है लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखोगे तो इसके बाद इसमें जो है मैंने आप लोगों को बैंकिंग करेंट अफेयर पढ़ाया बैंकिंग करेंट अफेयर पढ़ाया दोस्तों जिसमें मैंने बैंकिंग टर्म्स का पोस्टमार्टम किया कम से कम उसकी जो है दोस्तों बहुत सारी क्लासेस होंगी बैंकिंग टर्म्स के पोस्टमार्टम किए ठीक है बात समझ में आ रही है टीचर भी तो कॉस्टली है जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसता है जिसके डिस्कशन से क्वेश्चन आता है जो बैंकिंग का तो डेडिकेटेड चैनल है तो भाई टीचर कॉस्टली है बैच भी कॉस्टली होगा ठीक है अब ये आपको ज़रूरत है कि नहीं है ये आप देख लीजिए आपको एग्ज़ाम निकालना है तो लीजिए नहीं निकालना है तो भैया क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की रेट पूछते रहिए दूसरी बात अब तो यह हो गई बात पीछे की लेकिन यह बैच छ नहीं है यह बैच अभी IBPS PO तक चलेगा और एक रुपए आपको आईबीपीएस PO की तैयारी के लिए भी नहीं लिए जाएंगे यानी कि जो नए हैं उनको मैं बता दूं जो ये सोच रहे कि छह ही दिन का बैच है जो नए बच्चे हैं दोस्तों सात अक्टूबर तक तो आप लोगों को छे अक्टूबर तक तो आपको यह क्लास चलेगी सिक्स डेज सिक्स मंथ करेंट अफेयर वाली और जब सात अक्टूबर को छुट्टी रहेगी क्योंकि उस दिन एग्जाम होंगे आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के इसके बाद आठ अक्टूबर से दोस्तों इसी बैच में आईबीपीएस पीओ की तैयारी शुरू हो जाएगी फिर से बैंकिंग करंट अफेयर्स कछुए वाली यानी कि एकदम बैंकिंग कॉन्सेप्ट के पोस्टमार्टम वाली क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी आईबीपीएसपीओ के लिए तो ये बैच जिसको महंगा लग रहा है इसका मतलब है पहली बात कि उसका मेंस नहीं निकला होगा और अगर मेंस निकला है तो फिर वो एग्ज़ाम के लिए बहुत सीरियस नहीं है उसको यही लग रहा है कि पीडीएफ से हो जाएगा गुरु उसको किसी गुरु ने बता दिया है अबे वो तो पीडीएफ से हो जाता है कैप्सूल लेंगे और हो जाएगा तो करके देख लो एक एग्जाम तुम ऐसे भी करके देख लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एस आर टेन कोड यूज करना है दोस्तों जिस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इंटरव्यू का बैच दोस्तों आप लोगों का दो सौ साठ रुपए का है आफ्टर डिस्काउंट यह बैच भी कल से स्टार्ट हो रहा है एक अक्टूबर से ठीक है अब मैं चाह रहा हूं कि इस क्लास को सुबह किया जाए क्योंकि बेस्ट टू हंड्रेड भी मैराथन चल रहा है तो वो लंबा चल सकता है नौ बजे से ग्यारह बजे तक शाम को मैराथन क्लास जो है मेरी चल रही है आ, ये वाली सिक्स डेज वाली तो इंटरव्यू का बैच मैं चाह रहा हूँ मॉर्निंग में कर लूँ तो मॉर्निंग में कितने बजे इंटरव्यू का बैच शुरू कर दिया जाए ये बता क्योंकि मॉर्निंग पूरा फ्री है लेकिन मॉर्नली मतलब अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं सुबह का करंट अफेयर खत्म होते ही इंटरव्यू शुरू कर दूंगा बोलो ये सौदा मंजूर है तो बताओ बताना इंटरव्यू का बैच जिन लोग के इंटरव्यू है दोस्तों मेंस है वो लोग गेम चेंजर बैच को पढ़ लें पंद्रह हज़ार रुपये का बैच है दोस्तों फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज़ का जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने आप लोग को दिया हुआ है पचास से ज़्यादा लेक्चर हैं चैप्टर वाइज इतना डेप्थ में पढ़ाया है किसी भी चैप्टर के जाके कमेंट पढ़ लेना बच्चे खुद गवाही देंगे कि, कि किस लेवल की तैयारी जो है बैंकिंग की यहाँ पर होती है और जिस लेवल की नॉलेज है और नॉलेज शेयरिंग है उस लेवल पे देख करके रहोगे पाँच हजार रुपये भी आपको सस्ते लगेंगे और अभी यही बैच इस साल आपको सस्ते में मिल रहा है अभी आगे देखिएगा जब रेट्स बढ़ जाएंगे ठीक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों तीन दिन मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं लूंगा तीन दिन मंथली कराऊंगा सितंबर वाला क्योंकि तीन दिन वीकेंड है आज सैटरडे का वीकेंड था आज सुबह मैंने कराया कल संडे को भी मैं कराऊंगा वीक वही मंथली वीकली इसी वीक का है वो वीकली मंथली मैंने कॉम्बो कर दिया है और मंडे को भी मैं डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा दो अक्टूबर दो अक्टूबर की छुट्टी है इसलिए उस दिन भी मैं डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा मंथली करंट अफेयर को कंप्लीट करूंगा मैं अगले दो दिन में क्योंकि बारह बजे तो हो नहीं पा रही है तो सुबह ही कर लेंगे लेकिन हाँ रोज के द हिंदू की कटिंग जरूर पढ़ाऊंगा जैसे आज भी मैंने द हिंदू की कटिंग पढ़ाई आयुष्मान भारत योजना की सारी अचीवमेंट बताई हर दिन के मंथली में स्टार्टिंग में नया भी मिलेगा पीआईबी की कटिंग मिलेगी बीआईबी के स्क्रीनशॉट शॉट और द हिंदू न्यूजपेपर के स्क्रीनशॉट रोज के न्यूज से मिलेंगे तो ये ये मैं सोचना कि मंथली है तो डेली नहीं हो रहा है डेली न्यूज वाला चलेगा बाकी एम दो तीन दिन बाधित रहेंगे छुट्टी है मंथली कवर कर ले उसके बाद करेंगे ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों कैप्सूल की भी प्लेलिस्ट है हर चीज की मंथली की भी प्लेलिस्ट है सितंबर मंथली चल रहा है गुरुदक्षिणा बैच के कमेंट्स जो है आप देख ही सकते हैं टेलीग्राम पे देखिए व्हाट्सएप पे देखिए बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके फीडबैक देखिए बाकी तो सब बात है जो पढ़ रहे हैं उनका लेवल देखिए कि भैया जो है किस लेवल की जो है चीजें यहां पे चल रही हैं बात समझ में आ रही है और किस तरीके से तीन दिन के सिक्स मंथ करेंट अफेयर तीन दिन में कराया था रिजल्ट आ गया गुरुदक्षिणा तो पता चल गई थी अब आइए शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी हैं ये पीयूष गोयल जी ये मिनिस्ट्री दोस्तों राशन कार्ड वाली तब से निभा रहे हैं जब से रामविलास पासवान की डेथ हुई है ठीक है क्लियर है तो ये इसके अलावा दोस्तों कॉमर्स वाले मिनिस्टर हैं ही और इसके अलावा जो है ये टेक्सटाइल के भी मिनिस्टर हैं जिस चीज में भारत मोदी जी को लगता है कि टास्क दिया जाए पीयूष गोयल जी को दे देते जब गांव में बिजली नहीं थी दोस्तों तो इन्होंने इनको पावर मिनिस्टर बनाया गया था तो इन्होंने लॉन्च कराया था दोस्तों प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना इसी अंत्योदय दिवस के दिन लॉन्च कराया था और अट्ठारह हज़ार गाँव में बिजली पहुंचा दी थी वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो गया इनको फिर रेलवा रेल, रेल मंत्रालय दे दिया गया रेल मंत्रालय में इन्होंने कवच जैसी जो है कि एक्सीडेंट रोकने वाली जो है टेक्नोलॉजी वंदे भारत और इसरो के सेटेलाइट से जोड़ करके एक्सीडेंट को रोकने की तो इन्हीं के समय में 2018 सबसे कम एक्सीडेंट वाला साल भी था जब ये रेलवे मिनिस्टर थे अब टेक्सटाइल में बांग्लादेश हमसे आगे है और कॉमर्स जो है एक्सपोर्ट को देखता है तो यह वाला मंत्रालय इनको दिया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों यहां पर सस्ती दर पर दालें उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड नेम से साठ रुपए प्रति किलो सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की गई है तो भारत दाल नाम से ऐसे ही दोस्तों पीएम बीजेपी योजना में जो फर्टिलाइजर्स दिए जा रहे हैं वो फर्टिलाइजर्स भी दोस्तों जो है आप उसी के तहत दिए जा रहे हैं भारत ब्रांड नाम से बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड तो ये बात याद रखिएगा पीयूष गोयल जी दोस्तों महाराष्ट्र से आते हैं राज्यसभा के कोटे से महाराष्ट्र से राज्यसभा के कोटे से आते हैं ये बात याद रखिएगा ओके दोस्तों पांच किलो गेहूं और एक किलो चने की दाल जो फ्री में मिलती है वो योजना दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई जा चुकी है 31 दिसंबर के लिए बढ़ाई जा चुकी है 2000 नोट की जो है आज से दोस्तों लास्ट रात को 12 बजे के बाद वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा खिलौना लगेगा लीगन टेंडर मनी लेकिन आप सात अक्टूबर तक बैंक में जाके बदल सकते हैं अभी तक आप आज रात को 12 बजे तक मार्केट में चला सकते थे लीगल टेंडर था कोई मना भी नहीं कर सकता लेकिन आज रात को 12 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड पूरा सर्कुलर जो है भेजा है आप लोगों को आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा ओके व्हाट्सएप पे कल सुबह मैं इस पर डिस्कशन करूंगा इस 2000 के नोट पर मैं डिस्कशन करूंगा सोर्स भी बना के दूंगा इससे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के सोर्स आज मैंने आप लोगों को बना के दिए हैं ठीक है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पांच साल की आर बस चेंज हुई है पांच साल की आर बस चेंज हुई है जो कि 6.7 परसेंट हुई है 6.5 परसेंट से इसके अलावा कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ यह बहुत सुकून भरी बात है ओके okay, क्लियर है चलिए दोस्तों यहां पे जो है बोला जा रहा है कि नेफेड वाली दुकान से जो है इसको दिया जाएगा तो नेफेड जो है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है उसे कहा जाता है ठीक है तो एन के स्टोर पे केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल स्टोर पे भी दोस्तों ये सब्सिडी वाला मिलेगा ठीक है एक किलोग्राम साठ रुपए का पड़ेगा और तीस किलोग्राम का पैक लेंगे तो पचपन रुपए का ही पड़ेगा दोस्तों पे वजन उठाने को कहा जा रहा है अनुराग ठाकुर जी को अनुराग ठाकुर दहीने बाएं देख करके दोस्तों जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमसे तो दिया जलवाइए जलाने का काम बस बढ़िया करते हैं तो इनसे फिर जो है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के प्रोग्राम का दोस्तों वो किया गया उद्घाटन करवाया गया ठीक है क्लियर है ओके चलिए वेरी गुड अनुराग ठाकुर हमीरपुर से आते हैं हरियाणा के और यही दोस्तों इन्फौर, आ, क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है कभी भी पूछ ले दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस के अंतर्गत आया ये आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जो होगा वो कौन कराएगा या आ, नेशनल अवार्ड्स जो दिए गए अभी पुष्पा को मिमी कीर्ति सेनन को आ, और अल्लू अर्जुन को आलिया भट्ट को ट्रिपल आर को कश्मीरी फाइल को पंकज त्रिपाठी को सपोर्टिंग के लिए सपोर्टिंग में फीमेल में पल्लवी जोशी को कश्मीरी फाइल के लिए यह सब भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी कि अनुराग ठाकुर के अंतर्गत ही आता है अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हैं ज्यादा दिन की बात नहीं है 16 तारीख की बात है 16 सितंबर की बात है इसी महीने की आरआरबी का पेपर था क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में कौन करा रहा है तो गोवा की सरकार और भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय करा रहा है ये हम अनुराग ठाकुर जी जो हैं इनके सगे भाई साहब आईपीएल के हेड हैं अरुण सिंह धूमल सगे भाई साहब इनके पिताजी प्रेम सिंह धूमल हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे विधानसभा हार गए तो उनकी जगह जयराम ठाकुर को बना दिया चीफ मिनिस्टर इसके बाद बीजेपी से जो गलती हुई आज हिमाचल प्रदेश जबकि सर्वाधिक हिंदू परसेंटेज वाला राज्य है हार गए कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तब तो से बीजेपी ने कान पकड़ा कि अब जो है विधानसभा भले हार जाए मुख्य नेता लेकिन उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जैसे कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अपना विधानसभा चुनाव हार गए फिर भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया जैसे कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए फिर भी दोस्तों उन्हीं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो अब ये गलती जो है बाकी राज्यों में नहीं करते हैं क्योंकि तो आदमी हो सकता है पूरे स्टेट की तैयारी कराने में अपना वाले पे ध्यान न दे पाए और वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपोजिट पार्टी उठा करके एड़ी चोटी लगा दे तो ये जो है हो सकता है तो अब वो गलती नहीं करते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है एयरलाइंस पर इससे भी क्वेश्चन आया है इंडिगो पे जुर्माना इंडिगो ने अभी 500 सौ का ऑर्डर फ्रांस को दिया है इंडिगो के पीटर एल्बर्ट हेड जो है वो आई ए टी ए कनाडा में भी चुने गए हैं और इंडिगो भारत की सबसे बड़ी सिविल एविएशन कंपनी है अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आया आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या आया दोस्तों इनके ऊपर जुर्माना क्यों लगाया गया आप समझिए इसके विंग्स होते हैं इन्हों ये ज़्यादा विंग्स नहीं ओपन करते थे सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग कराते थे ताकि फ्लाइट जो है ज़्यादा दूर ना जाए पेट्रोल कम खर्चा हो इस चक्कर में ये यात्रियों को झटके वाली लैंडिंग कराते थे और जबकि इनको हलाली वाला कराना था लेकिन नहीं कराते थे जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी तेल बचाने के चक्कर में और दोस्तों सेफ्टी का ध्यान कौन रखता है तो सेफ्टी का ध्यान रखती है दोस्तों डीजीसीए और डीजीसीए ने इनके ऊपर लगा दिया जुर्माना तो सेफ्टी का ध्यान कौन रखता है दोस्तों डीजीसीए लगती है ये DGCA. ये अब आप कहोगे सर ये इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था सोलह तारीख की बात है इसी महीने की बात है और की बात है कि बताइए सेफ्टी वॉचडॉग कौन है तो डीजीसीए है सिक्योरिटी वॉचडॉग पूछता तो बीसीएस हो जाता ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी कौन देखता है बीसीएस जुल्फिकार हसन और अगर सेफ्टी पूछा है तो सेफ्टी यही अप्रूवल देगा ड्रोन को भी यही अप्रूवल देगा सिविल एविएशन को भी पिछली बार झुनझुन वाला के उसको दिया था दोस्तों आकाशा एयरलाइंस को विक्रम देवदत्त दत्त डीजीसीए के हेड है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप ये पूरा मैटर मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था क्योंकि मैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से रोज सुबह पढ़ाता हूं रोज सुबह दोस्तों मैं पढ़ाता हूं ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये पूरा मैटर मैंने आप लोग को बताया था डीजीसी हैज इंपोज फाइन ऑफ थर्टी लैक ऑन इंडिगो फॉर टेल स्ट्राइक्स ड्यूरिंग रिसेंट लैंडिंग इंडिगो के हेड है पीटर एल्बर्ट और एयर इंडिया जो कि टाटा ने खरीदी अट्ठारह हजार करोड़ में उसके हेड है कैंपेबल विल्सन ओके क्लियर है चलिए दोस्तों जु, जुलाई में पीएम बीजेपी योजना की जो प्रोडक्ट जो है दोस्तों बास्केट वो बढ़कर के 1800 मेडिसिन हो गया दो सर्जिकल इक्विपमेंट्स तक पहुंच गए ठीक है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टोटल ऑफ ओवर हाउ मेनी जन औषधि केंद्र हैव बीन ओपेंड अक्रॉस द कंट्री टिल जून तो दोस्तों जून तक कितने जो है यहां पे बन गए हैं ओके ये पूछ रहा है ठीक है इंडिगो इंडियन कंपनी ही है अब दोस्तों जो है यहां पे देखिए पीएम बीजेपी योजना दो है प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं एक जन औषधि वाली है दोस्तों जो कि मेडिकल स्टोर वाली है जेनेरिक दवाएं इस पर मिलती हैं सस्ती दरों पर और एक जन उर्वरक वाली है जो फर्टिलाइजर वाली है जो भारत ब्रांड से बिक रही है दोनों का नाम पीएम बीजेपी योजना ही है दोस्तों आप जो है सात मार्च को जन औषधि दिवस भी मनाते हैं एक से सात मार्च तक जन औषधि वीक भी मनाया जाता है जन औषधि सुगम ऐप भी है जो दवा मेडिसिन आपको सौ रुपए की मिलेगी वहां दस रुपए में मिल जाएगी क्योंकि इसमें ना डॉक्टर का कमीशन होता है ना ब्रांड की एकदम सरकारी रेट पे मिल जाती है यानी जो आप दवाई खा रहे हो उसको आप जीपीएस पे सुगम ऐप से देख लो आपके आसपास वो मेडिकल स्टोर कहां है तो दोस्तों यहां पे साढ़े नौ हजार जन औषधि केंद्र खोले जा चुके थे जून तक अब तो इनकी संख्या दस हजार को क्रॉस कर चुकी है दस हजार को क्रॉस कर चुकी है उज्ज्वला योजना दोस्तों उज्ज्वला योजना जो है जिसमें एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना में दोस्तों कितने लोग बढ़ाए गए हैं बताइए जरा कितने लोग बढ़ाए गए हैं ये आप लोग बताएंगे तो पचहत्तर लाख लोग दोस्तों बढ़ाए गए।, गए हैं पचहत्तर लाख बेनिफिशरीज बढ़ाए गए हैं यानी टेन पॉइंट थ्री फाइव करोड़ की अब बेनिफिशरीज हो गई है ठीक है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान में ओडीएफ प्लस जो है वैसे ओडीएफ तो पूरा इंडिया 2019 में ही हो गया तो ओडीएफ प्लस जो है ये दोस्तों जो है 4.4 पॉइंट लैक्स गांव जो है यानी कि 74 uh, 75 परसेंट विलेजेस ये दोस्तों ओडीएफ प्लस हो चुके हैं यूपी भी 100 परसेंट हो चुका है ठीक है तो ये इसका भी सूबे मैंने पढ़ाया था हर कैटेगरी में किस में स्वच्छता में क्या अवार्ड मिला है ये मैंने आज सुबह पढ़ाया था वो मैंने किसी मंथली किसी वीकली किसी डेली में नहीं पढ़ाया आज सुबह जो है मैंने पढ़ाया अभी अगले दो दिन फिर मंथली ही पढ़ाऊंगा सितंबर का मंथली तो मैं दोस्तों जो है पांच क्लासेस ले चुका हूं और अभी दो क्लासेज और लूंगा कल और परसों ठीक है ओके आज अप्रैल मैंने शुरू किया है गुरुदक्षिणा बैच में अप्रैल आज पढ़ाए पढ़े हैं वो तो लाइट चली गई पांच बजे से हम लोग सात बजे तक कभी पढ़े हैं अगर लाइट नहीं की होती तो पूरा अप्रैल खत्म करते तब जो है कि हो सकता है आठ साढ़े आठ बज जाता तो रोज क्लासेस ऐसे मैराथन चलेंगी पाँच बजे से शाम को दक्षिणा बैच में जैसे अब रिजर्व डे भी इसीलिए रखा है कि लाइट वाइट चली गई जैसे आज चली गई थी तो अप्रैल होगा फिर मई होगा फिर जून होगा जुलाई होगा अगस्त होगा सितंबर होगा ऐसे आप लोग का हम जो है सात तारीख के पहले आपके सिक्स डेज़, सिक्स मंथ करंट अफेयर कराएंगे जितना टाइम हो पढ़ने में जितना टाइम लगे ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड तो दोस्तों इकतीस दिसंबर तक दस हजार जन औषधि केंद्र जो है ये खोलने की बात भी यहां पे कही गई है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस शहर में शुरू हुई है कैनबिस मतलब होता है दोस्तों भांग भांग दोस्तों अक्सर बहुत ज्यादा पीड़ा वाली जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर वैंसर उसमें भांग और अफीम की दवा दे करके मरीज को बेहोश रखा जाता है ताकि उसको दर्द जो है महसूस न हो या वो दर्द उसके दिमाग की सेंस खत्म हो जाए उस दर्द को वो बेचारा बर्दाश्त कर पाए तो दोस्तों ये जम्मू में दोस्तों भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है ओके और क्यों कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी वहीं पे आते हैं वहीं से आते हैं तो दोस्तों ये वहीं पर शुरू किया गया उधमपुर से ये सांसद हैं उधमपुर से दोस्तों ये सांसद हैं ठीक है, है? न्यूरोपैथी से रिलेटेड जो है बीमारियों के लिए इसका यूज़ किया जाता है कनेडाई फर्म के साथ दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसे शुरू किया जा रहा है न्यूरोपैथी कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों के लिए इसका यूज़ किया जाता है नूर शेखावत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी है जिन्हें उनके लिंग को ट्रांसजेंडर के रूप में सूचीबद्ध करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि आप जब जन्म लेते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे या तो पुरुष लिखा होता है या तो महिला लिखा होता है गर्ल है या तो बॉय है लेकिन अब जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया बड़े होने के बाद किसी ट्रांसजेंडर को और उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे ट्रांसजेंडर लिख के दिया गया तो ये दोस्तों नूर शेखावत जो है ये राजस्थान की है राजस्थान के तो हमारे फोर्टीन वाइस प्रेसिडेंट आपके जगदीप धनखड़ जी भी हैं कौन है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है जगदीप धनखड़ जी भी हैं ओके क्लियर चलिए बहुत बढ़िया उनके पुराने लाइफ जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें वो पुरुष अंकित थे ठीक है तो नगर निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों ने शेखावत को नया जन्म प्रमाण पत्र सौंपा है राजस्थान की कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहते कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं अशोक गहलोत यहाँ के चीफ पे मिनिस्टर है ओके क्लियर है प्रशासन गांव के संग कैंपेन यहां पे शुरू हुआ इंदिरा रसोई योजना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दोस्तों जब भारत में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया और असम के हेमंत बिश्वा शर्मा ने राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क में से राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया तो दोस्तों उस समय महाराष्ट्र की सरकार ने एक आईटी सिटी बनाई थी जो राजीव गांधी जी के नाम पे थी और राजस्थान ने खेल रत्न अवार्ड को अपने यहाँ पे राजीव गांधी जी के नाम से देना शुरू किया था चीन के बर्थडे पर दोस्तों हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं और डेथ एनिवर्सरी के दिन हम लोग टेररिज्म एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये एग्जाम में पूछ चुका है जैसे मनरेगा में गांव में दोस्तों जो है सौ दिन की रोजगार गारंटी मिलती है और डेढ़ सौ दिन की वो जहाँ पे बारिश कम हो रही है पहाड़ी इलाके हैं जंगली इलाके वहाँ डेढ़ दिन की मिलती है जहाँ खेती कम होती है उसी तरीके से शहर में रोजगार गारंटी की योजना राजस्थान ने दी थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना दोस्तों राजस्थान के डेगाना में दोस्तों जो है लिथियम रिजर्व मिला था जो बहुत बड़ा लिथियम रिजर्व है लेकिन सबसे पहला जो फर्स्ट लिथियम रिजर्व है फर्स्ट लिथियम रिजर्व दोस्तों वो कहा मिला था तो फर्स्ट लिथियम रिजर्व ये मिला था आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अगर सेकंड बात करें तो सेकंड कहां पे मिला था तो ये दोस्तों कर्नाटका के मांड्या में मिला था कर्नाटका के मांड्या में मिला था लिथियम रिजर्व अभी तक हमारे पास नहीं था लिथियम रिजर्व सबसे बड़ा कहां पर है ये क्वेश्चन पिछले साल आया था किस स्टेट में है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किसान ड्रोन ऑन रेंट ये योजना भी यहां पे शुरू की गई लिथियम ऑयन बैटरी के आविष्कारक का भी निधन हो गया निधन हो गया दोस्तों अभी इसी साल ओलिवर करके कुछ नाम था उनका लिथियम ऑयन बैटरी की वजह से ही उसके इन्वेंशन की वजह से ही आज लैपटॉप आप चला रहे हैं वायरलेस चीजें आप जो है मोबाइल चला रहे हैं स्मार्टफोन चला रहे हैं लिथियम आयन बैटरी की वजह से ही आज कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में दुनिया सोच रही है दुनिया जो है कि वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में सोच रही है सोलर पैनल के बारे में सोच रही है ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है तो लिथियम आयन बैटरी के इन्वेंशन के बाद ही ये सब संभव हो पाया है ठीक है ओके किसान ड्रोन जो है दोस्तों ये रेंट पर यहाँ पे किसानों को दिया जाएगा छब्बीस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में हो गए उनके नाम यहाँ पे गायब है खैर ले लेंगे दोस्तों इससे याद आया वाइल्ड लाइफ से कि हमारे देश का जो है वो दोस्तों फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व जो है वो जो है यहीं पे राजस्थान में ढौलपुर में हुआ है वाला है फोर्टी फोर्थी फिफ्थ जो है वाला कौन सा है तो वो दुर्गावती है जो एमपी में है दुर्गावती वाला है ना ऐसा तो नहीं मैं उल्टा बोल दिया वो हो ये है ओके भद्रवा राजमा और सुलई हनी जो जम्मू कश्मीर का है जिसको जी टैग मिला है ओलीवर गुड इनफ लिथियम वाले उनका निधन हुआ वेरी गुड शिव कुमार बिल्कुल सही कह रहे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ओके दोस्तों राइट टू हेल्थ राइट टू साइट विजन एडवोकेट प्रोटेक्शन ये सब योजना यहां की है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग और हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप यहां पे शुरू किया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने, ने नेशनल अवार्ड रियल एस्टेट के क्षेत्र में पाया है दोस्तों यहां की नानेरा मूवी को ग्रेट कैलासा अवार्ड भी मिला है ओके राजस्थान पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहां पे जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है और दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों जैनियों का कहां पे है माउंट आबू पे माउंट आबू और एक जैनियों का मंदिर है अजीतनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है गुजरात से माउंट आबू तक दोस्तों जो है एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है ताकि उस जैनियों के मंदिर से इस जैनियों के मंदिर तक एक रेलवे लाइन बिछाई बीच में अंबाजी भी पड़ेगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये सब क्वेश्चन भी आते हैं जैसे यहां कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो यहां पे दोस्तों डेजर्ट नेशनल पार्क है क्योंकि ये थार डेजर्ट है यहाँ पे दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क है ओके यहाँ पे सीता माता नेशनल पार्क है सीता माता नेशनल पार्क यहाँ पे दोस्तों केवला देव नेशनल पार्क है केवला देव नेशनल पार्क ठीक है यहाँ पे दोस्तों रड़ थम्बोड़ नेशनल पार्क है रण थम्बोड़ नेशनल पार्क है ठीक है ओके ठीक है और उसके बाद माउंट आबू है ही यहाँ पे तो ये सब आप देख ही रहे हैं ठीक है दोस्तों यहाँ के उदयपुर में जो कि सिटी ऑफ लेक कहा जाता है दोस्तों यहीं पर फर्स्ट शेरपा मीटिंग जी ट्वेंटी की हुई थी शेरपा है अमिताभ कांत और ये पाँच से छः दिसंबर को दोस्तों हुई थी 2022 में क्योंकि एक दिसंबर को भारत को प्रेसिडेंसी जी ट्वेंटी की मिल गई थी जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंसी की अवधि भी बड़ी अजीब होती है मिलती है 2023 के लिए और मिल जाती है एक दिसंबर को ही तो एक दिसंबर से 30 नवंबर तक चलती है अभी इस तीस नवंबर को किसको मिल जाएगी जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को मिल जाएगी चलेगा 2023 लेकिन मिलेगी 2024 के लिए बात समझ में आ रही है क्लियर उसके बाद ऐसे ही रशिया अरे इसके बाद ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका को मिलेगी रशिया में तो अगली ब्रिक्स सबमिट होने वाली है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आया था कि जैसे पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं वैसे ब्लू सिटी किसको कहते हैं यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था ठीक है ओके चलिए वेरी गुड दोस्तों जैसलमेर राजस्थान में जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली विंड सोलर हाइब्रिड फैसिलिटी दोस्तों अदानी ने यहां पे लगाई थी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला डिजिटल लोक अदालत भी राजस्थान में शुरू हुआ दोस्तों यहां पे आ, महंगाई राहत शिविर भी दोस्तों जो है अशोक गहलोत ने चलाया था महंगाई राहत शिविर इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप ठीक है दोस्तों रूरल ओलंपिक गेव गांव में शुरू किए गए थे वो भी राजीव गांधी जी के नाम से वो भी यहीं पर ठीक है राजीव गांधी जी के नाम से जो है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट करेगी ज़ाहिर जी बात है या तो छत्तीसगढ़ या तो ये अब दो जगह और हो गई कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक और आपकी हिमाचल प्रदेश अभी कर्नाटक की योजनाएं ज्यादा आएंगी एग्जाम में क्योंकि तो नई नई चीजें वही अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं कंप्यूटर सखी रूरल वीमेन को एजुकेट करने वाली योजना भी यहीं पर है भारत का पहला स्किन बैंक दोस्तों जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में शुरू हुआ है भगवान शंकर की तीन फीट ऊंची मूर्ति 369 सिक्सटी फीट ऊंची मूर्ति विश्व स्वरूपम जो है दोस्तों राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति राजस्थान के जोधपुर में लगाई गई है उन्नीस नए डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बने हैं जिसके साथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्स की संख्या पचास हो गई है पचास हो गई है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों ब्लू सिटी से ही आपके हमारे देश के जल शक्ति मिनिस्टर आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के कोटा से सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है वो वहां से दोस्तों आपके आते हैं लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला जी ओम प्रकाश बिड़ला जी ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है दोस्तों ट्विटर रिवील्ड इट्स न्यू लोगो रिप्लेसिंग द ब्लू बर्ड ऑन इट्स वेबसाइट विथ एन एक्स एज ए पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रिब्रेंडिंग एफर्ट वॉट इज वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर दोस्तों ट्विटर का हेडक्वार्टर का है ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है ट्विटर की अब हेड एलॉन मस्क की जगह लिंडा याका रीनो हो गई हैं लिंडा याका रीनो, पहले एलॉन मस्क थे दोस्तों एक्चुअली में एलॉन मस्क को एक्स वर्ड से प्यार है उन्होंने एक्स ऐप को खरीद लिया था कुछ साल पहले और आप देखो तो इनकी जो है अभी टेस्ला भी एक्स ब्रांड के अंतर्गत ही आ जाएगी इनकी जो ये स्पेस सेटेलाइट जो भेजते हैं उस कंपनी का नाम ऑलरेडी स्पेस एक्स है तो एक्स यहाँ पे भी है तो कुछ दिन बाद इनका सब कुछ एक्स ऐप पे ही इंटीग्रेटेड हो जाएगा और दोस्तों जो है ये एक्स ब्रांड के नाम से ही चलेंगे अब तो ट्विटर सर्च करते हो तो भी नहीं आता एक्स सर्च करना पड़ता है तब मिलता है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है दोस्तों इनके पास है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों यह बात याद रखिएगा ना कैलिफोर्निया में सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर है चाहे आप गूगल ले लो इंस्टाग्राम ले लो व्हाट्सएप ले लो फेसबुक ले लो है ना ज्यादातर हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में ही मिलेंगे जहां से सांसद हैं कमला हैरिस जो कि थर्ड पावरफुल वीमेन हैं उर्सुला वॉन्डरलियन और क्रिस्टिना लोगार्डे के बाद क्रिस्टिना लोगार्डे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड हैं, कमला हैरिस भारतीय मूल है, की हैं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं ठीक है तो ट्विटर हो गया एक्स और एक अच्छी चीज है कि ये दोस्तों जो है जितने कम्युनिस्टों को है उसको बाहर कर देता है जैसे पराग अग्रवाल जो है वो दोस्तों जो है ट्विटर विवाद और उसके पहले भी जैक डोर से भी चला रहे थे तो जितने भी जो है कम्युनिस्ट विचारधारा लेफ्टिस्ट विंग है उसको जो है एलॉन मस्क बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और बहुत बड़े राइट विंग के व्यक्ति हैं ये तो ये जो है केवल अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को ही अपने कंपनी में रहने देते हैं और जितने कम्युनिस्ट लोग थे जो ट्विटर पे जैसे रविशंकर प्रसाद से बवाल करे थे उन सबको बाहर कर दिया अभी जैक डोरसे ने भी कुछ बोला था कि भाई इंडिया में दबाव डाला जाता था जो ट्विटर के पहले है थे जिनसे इन्होंने खरीदा अभी तो बोला था उस, उसने अमेरिका पहुंचने पर मोदी जी के कि नेता लोग दबाव डालते थे कि उस पोस्ट को डिलीट करो और ऐसा करो उस चैनल को बैन करोगे तो एलान मस्क से पूछा गया तो एलान मस्क ने कहा कि ये तो हर हर देश करता है और करना ही चाहिए उस देश को रेगुलेट कर रहा है तो अगर कोई भी ऐसे फेक न्यूज या कोई चीजें चला रहा है तो गवर्नमेंट ऑर्डर देगा और आपको उस, उस देश में रहना है तो उसका पालन करना पड़ेगा तो टेस्ला क्यों नहीं फिर आ रही है क्योंकि टेस्ला में एलान मस्क कह रहे हम चाइना में बनाएंगे चाइना में हमारी फैक्ट्री है इंडिया कह रही है नहीं इंडिया में बनाना होगा मेक इन इंडिया ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों अभी जो है जो पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान से अगर तुम ट्विटर करते हो ट्वीट करते हो पीओके तो गिलगिट बाल्टिस्तान को इन इंडिया दिखाता है इन इंडिया दिखाता है तो ये जो है दोस्तों ट्विटर का जो है ये भी एक बहुत अच्छा रूप है कि पीओके को वो इंडिया का पार्ट दिखाता है अगर वहां से आप ट्वीट करते हैं तो ठीक है बात समझ में आ रही है इस कंपनी को दोस्तों 44 बिलियन डॉलर में एलॉन मस्क ने खरीदा था यह बहुत ज्यादा न्यूज में तब भी थी जब ब्लू टिक वाला मैटर आया था ब्लू टिक वाला मैटर आया था पी एल आई टू पॉइंट जीरो के लिए सत्रह हजार करोड़ रुपए निकाला गया हा बिल्कुल कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए पी एल आई टू पॉइंट जीरो पी एल आई वन पॉइंट जीरो तो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए था ठीक है ओके बाग सिंह रावत जी कहने टेस्ला ने प्लांट पुणे में स्टार्ट किया है सर बिल्कुल अभी मोदी जी जब यूनाइटेड नेशन गए थे तो ऐलान मस्क से बात हुई थी और उसके बाद ही फिर ये ऐलान हुआ था कि वो यहां पे आ रहे हैं यानी कि वो बात उनको माननी पड़ी कि फैक्ट्री लगाओ और काम शुरू करो फैक्ट्री लगा दो तो फिर भले चाइना से मंगा करके बेचो लेकिन कुछ दिन तो हमको जो है आ, हमारे यहाँ फैक्ट्री तो लगाओ तो दोस्तों इसके फाउंडर थे जैक डोर से यही बौरा बौरा के बोल रहा था ठीक है बाद में इसी ने बेच दिया लिंडा या करीना सीईओ है ओनर है एलॉन मस्क 21 मार्च 2006 को ट्विटर आई थी ठीक है दोस्तों अभी भारतीय मूल के जितने भी सीईओ हैं वहां पर उनका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था और उस शॉर्ट से क्वेश्चन आया था एग्जाम में क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए थे आरआरबी क्लर्क में पूछा गया था इसमें भारतीय मूल के कौन है से हेड है तो दोस्तों आप लोग वो शॉर्ट्स जरूर देख लीजिएगा जो इंडियन ओरिजिन के हैं है ना तो हम लोग सोचे अजयपाल सिंह मंगा पूछेगा पूछ लिया उसमें जो कुछ और स्टारबक्स के हेड तो इसलिए मैंने पूरा भारतीय मूल के जितने भी सी हैं उनका एक वीडियो बनाया है शॉर्ट्स सारी डिटेल में चीजें बताई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में किस देश में एक, एक स्मारक का अनावरण किया गया तो ये इटली में किया गया इटली की दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आई थी जॉर्जिया मेलोनी इन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफ भी करी थी जब ये अभी आते ही आ, करीब मुझे लगता है एक बार फरवरी मार्च में आई थी एक बार अभी जी ट्वेंटी में आई थी अभी एक जॉर्जिया नाम के अंठानवे साल के इटली के पूर्व राष्ट्रपति का भी निधन हुआ है जॉर्जिया एक यूरोप का की कंट्री भी है एक जॉर्जिया शहर है राज्य है अमेरिका का जिसने हिंदू हेरिटेज मंथ मनाना की घोषणा की है अब अक्टूबर मंथ में क्योंकि तो नवरात्र दशहरा दिवाली सब कुछ है उसमें और दोस्तों जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून भी लाया है हिंदू खोबिया के खिलाफ लाया है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है और सच में सबसे ज्यादा है अप्रूवल रेटिंग बताइए कितने परसेंट आया है इस साल मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग कितने परसेंट अप्रूवल रेटिंग है बताइएगा दोस्तों ये मेमोरियल ट्रिब्यूट दे रहा है नाइक यशवंत घाटगे को ठीक है जो कि अपर टाइबर वैली में दोस्तों जिन्होंने अपनी जान दी थी तीबर घाटी की ऊंचाइयों पर लड़ाई में मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इटली की कैपिटल रोम है दोस्तों रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और एग्रीकल्चर फंड का भी हेडक्वार्टर है पहला वर्ल्ड फूड प्राइज ये दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को मिला था जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे जो हरित क्रांति के जनक थे जिनका कल 98 एट ईयर की आयु में निधन हुआ है जिनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था जिनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यू की चीफ साइंटिस्ट थी दोस्तों जिन्हें रेमन मैक्स से पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री सब कुछ मिल चुका है दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था कि बाजरे का वर्ष 2023 मनाया जा रहा है यह कौन मना रहा है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मना रहा है और यूनाइटेड नेशन मना रहा है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मनाया जा रहा है ठीक है वाराणसी को चुना है 2023 के लिए वर्ल्ड की कल्चरल टूरिज्म कैपिटल वो किसने चुना है वो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने चुना है ठीक है तो प्रेसिडेंट है इसके सर्जियो माटरेला और प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी इटली के अंदर रोम है और रोम के अंदर दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा शहर है जिसका नाम है वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी दोस्तों मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था जिसे कि दोस्तों जो है दोनों सदन में जो है सफल नहीं हो पाया और करारी हार मिली है राइस एक्सपोर्ट को दोस्तों नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट को इंडिया ने बैन कर दिया है और लैपटॉप और पीसी के इंपोर्ट को भी बैन किया था लेकिन त्योहारों को देखते हुए अभी उस पर रोक लगा दी है पंद्रह नवंबर तक की दोस्तों एफ का बहाना लेकर के ED के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ के आ, जो है नियुक्ति को टालते चले जा रहे थे तो ED संजय मिश्रा को फिर 15 सितंबर तक की लास्ट डेडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा एफ के बारे में आ सकता है एफ ए टी एफ थर्टी नाइन कंट्रीज पेरिस हेड क्वार्टर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को जो है दोस्तों जो है रेगुलेट करता है एफ ए टी एफ के टी राजा कुमार जी हैं जो कि सिंगापुर वाले एफ ए टी एफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दोस्तों ईडी वाला जो मैटर है आप यहां पे देख लिए जो है ईडी जो है बन गए आपके जो है संजय मिश्रा जी संजय मिश्रा जी जो ईडी थे प्रवर्तन निदेशालय जो छापा मारता है विपक्षी पार्टियों के यहाँ ये 2018 से ही दोस्तों इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट प्रमलगेटेड टू ऑर्डिनेंस दैट वुड अलाउ द सेंटर टू द टेन्योर ऑफ सीबीआई और ईडी का टेन्योर बढ़ाया गया था दो साल से दोस्तों पांच साल तक कर दिया गया था ये चीज की गई थी दोस्तों जिसके बाद बवाल हुआ था, ठीक है, बात समझ में आ रही है? Have been amended to give the government to, uh, the power to keep the two chiefs in their post for one year after they have completed their two year. दोस्तों, दो साल का टेनियर किया गया। इसके बाद दोस्तों एक एक साल बढ़ाने की परमिशन देते चले गए यानी दो साल तो इनका जो है टेन्योर कर दिया गया अब दो साल के बाद हर साल एक साल बढ़ाएंगे एक साल बढ़ाएंगे एक साल बढ़ाएंगे पांच साल तक घसीटेंगे पांच साल तक घसीटेंगे ये कानून मान लो ला दिए अब 2018 से जोड़ो तो पांच साल हो भी गया अब भैया पांच साल के बाद भी डाल रहे हैं एफ का बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या यार एकदम जो है कि एक ही आदमी पे क्या निर्भर चलेगा क्या देश एक आदमी रिटायर हो रहा है या उसको हटाया जा रहा है तो क्या फिर दूसरा आदमी क्या सक्षम नहीं है जो कि वो काम कर ले तो दोस्तों कोर्ट ने फटकार लगाई इनको ठीक है बात समझ में आ रही है ओके तो ये जो है दोस्तों बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सभी लोगों का कि सर आखिर इसका टेन्योर कितने का है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर टेन्योर बता दीजिए बहुत कंफ्यूजन था तो मैंने कहा कि भाई मैं हूं यहाँ पे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं पीयूष सर है और पीयूष सर के कोई भी लेक्चर्स आप छोड़िएगा नहीं एग्जाम तक बस इतनी सी बात मान लीजिए मेरी मैं जो है जो सुबह पढ़ा रहा हूँ शाम को पढ़ा रहा हूँ गुरुदक्षिणा बैच में पढ़ा रहा हूँ कहीं पढ़? पांच सौ रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है गुरुदक्षिणा बैच में मैंने इतने कंटेंट अभी दे दिए हैं कि अगर उसका रिकॉर्डेड देख लो शुरू के तीन क्लास में ही पैसा वसूल हो जाएगा बता दे रहा हूं तो आप लोग को जो है अगर एग्जाम निकालना है तो इन सब टेंशन से मुक्ति पा जाओ ठीक है ये सब छोटी सोच और पाव की मोच आदमी को बढ़ने नहीं देती है ठीक है लोग अपने सेलेक्शन के बारे में सोचने से ज्यादा जो है इसमें दिमाग लगा रहे हैं कि पीयूष सर को तीन सौ देना है पांच सौ रुपये नहीं देना है अरे अपना सेलेक्शन लो भाई साहब है लाखों रुपए कमाओ जाके कहा यहां पे चिंदी चोरी में पड़े हुए हो दोस्तों ईडी जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो फॉरेन एक्सचेंज लॉज है उसके जो है वायोलेशन पर दोस्तों जेल में डाल देता है कभी जयपुर की महारानी गायत्री देवी जिनके ऊपर बादशाहो मूवी बनी उनको भी जेल में डाल दिया गया था विदेशी मुद्रा उनके बेडरूम से मिल गई थी ठीक है बात समझ में आ रही है यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है प्रवर्तन निदेशालय स्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट फॉर्म हुई 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया ठीक है 1960 में इसका कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को चला गया फेमा एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोस्तों ये रेगुलेट करता है फेमा एक्ट का भी फुल फॉर्म और ये आ सकता है पीएमएलए एक्ट का भी फुल फॉर्म आ सकता है टू का है ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन फेमा एक्ट ने फेरा एक्ट को रिप्लेस किया था जैसे गायत्री देवी जेल चली गई तो वो फेरा एक्ट थ्री के तहत चली गई थी क्योंकि तो पहले ये क्रिमिनल लॉ था और जेल में हो जाते थे लोग अब जो है ये सिविल लॉ है अब जेल नहीं होता पेनाल्टी लगती है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट भी दोस्तों फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट विजय माल्या नीरव मोदी के भागने के बाद आया जिसे हिंदी में आर्थिक भगोड़ा कानून कहते हैं तो ये सब ईडी डी इसी के तहत दोस्तों काम करता है ठीक है दोस्तों इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है याद रखिएगा ठीक है इसके पांच रीजनल ऑफिस है मुंबई चेन्नई चंडीगढ़ कोलकाता और दिल्ली में ओके चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं तो टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट राजेश कन्नन जी बन गए दोस्तों यहीं पे अगर रवि कन्नन पूछ रहा होता तो रवि कन्नन को ओंकोलॉजिस्ट है कैंसर विज्ञान को ओंकोलॉजी कहते हैं दोस्तों तो इनको रेमन मैक्से अवार्ड मिला है जो कि एशिया का नोबेल प्राइज होता है जो कि एशिया का नोबेल प्राइज होता है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त घोस्ट ऑपरेटर देखिए यहां बहुत तगड़ी बात करें सर हमने 2022 में आईबीपीएस पीओ मेंस में सिक्स मंथ जीए पढ़ा बट ओनली टू पॉइंट फाइव टू फाइव स्कोर किया बट आपकी तीन चार क्लास की आरआरबी मेंस से और पता नहीं कैसे छब्बीस अटेम्प्ट हो गया ये तो अपनी ट्रिक काम कर गई अपनी ट्रिक जो है लग गई अब देखो बाकी टीचर भी वो ट्रिक बता रहे हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत हमारा बच्चा तुमसे दस नंबर ज्यादा लेके आ गया बाकी टीचरों से अब बाकी टीचर बाकी चैनल के टीचर समझाते रहें कि ऐसे करना था अलब दे करना था पॉजिटिव सेंटेंस था अब मेरा सुन सुन के तुम चाहे जितना भी कर लो हमने तो अपने बच्चों को पहले ही बता दिया था कि ये आएगा ये आने वाला है और वो केवल आर में आता है तब कोई फ़ायदा भी नहीं है तुम लोग का बताने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है बाकी जो चैनल वाले अब ये ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को ये ज्ञान तो कोई भी दे सकता है कोई भी घटना घटने के बाद उस पर बता सकता है कि ये शनि की साढ़े साथी ऐसी वक्र दृष्टि थी इसलिए इसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया असली तो ज्योतिष वो है जो पहले बता दे कि भाई मत जाना एक्सीडेंट हो जाएगा तो यहां पे जो है हम लोगों ने दस क्वेश्चन अपने बच्चों के एक्स्ट्रा करा दिए थे ट्रिक से जो नहीं आते हुए क्वेश्चन थे वो भी दस क्वेश्चन जो है हमारे बच्चे नहीं आते हुए क्वेश्चन करके आए उस ट्रिक से और सही हुआ अब तुम लोग रोते रहो चिल्लाते रहो कि ऐसा था ऐसा करना चाहिए था वैसा करना चाहिए था ये वाला था दो ऑप्शन मेरा ही सुन के बता रहे हैं कि दो ऑप्शन सही था तो ऑल ऑफ द टिक करना था मेरी एनालिसिस सुन करके सेम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं अरे मेरी एनालिसिस देख करके तो ये सब जीए के क्वेश्चंस लिखते हैं आप देखो बड़े बड़े चैनल के क्वेश्चंस का सीक्वेंस वही होते हैं जिस सीक्वेंस में मेरा बच्चा बता रहा होता है समझ रहे हो तो हम उनसे दो कदम आगे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कॉम्पिटिटर से चार कदम आगे होना पड़ता है बस चार कदम आगे हो तुम तुमने गुरुदक्षिणा बैच ले लिया तुमने वो जो क्लासेस करी हैं बैंकिंग करंट अफेयर की ग्यारह क्लासेस आर वाली तीन मैराथन वो कर लोगे उतना ही से तुम उनके आगे निकल जाओगे अब ये जो मैं सिक्स डेज सिक्स मंथ करेंट अफेयर करा रहा हूं ये तो बोनस है ये तो बोनस है अब तुम रोते रहो चिल्लाते रहो कि ऐसा करना चाहिए था वैसा करना चाहिए था कोई फायदा नहीं है अब अगले साल आर होगा तुम फिर भूल जाओगे हम फिर लगा देंगे बच्चों को ट्रिक ठीक है क्योंकि तुमको तो इतना एनालिसिस करते क्या हो बेटा तुम लोग तुम लोग तो पढ़ाने में प्रो 8.0 9.0 परसान रहते हो अपना भैया बच्चा आगे रहेगा सिलेक्शन लेगा इस छोटे से चैनल का सिलेक्शन रेशियो इतना तगड़ा है कि मैं क्या बताऊं और आज बच्चों का भरोसा और प्यार भी इतना तगड़ा है कि रोज जो है दोस्तों बच्चे इनरोल होते रहे हैं गुरुदक्षिणा बैच में पूरा पैसा वसूल बैच है और ये मैं पैसा वसूल करवा दूंगा सिलेक्शन करवा के तुम लोग का सिलेक्शन करवा दूंगा क्योंकि अपने पास बहुत ट्रिक है और जो नॉलेज जो मिल रही है जो क्योंकि मेरे डिस्कशन ही एग्जाम में आते हैं तो डिस्कशन सुनिए बस आप, आप। अरुणाचल प्रदेश में यूपीएससी निकाल ली तेंजिंग यांग की राज्यसभा की नागालैंड से चेयरपर्सन पे बैठी फोन कन्या पहली बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया था मानसून सेशन में राज्यसभा के चेयर पे कौन बैठा था तो राज्यसभा का चेयरमैन तो वो होते हैं हमारे जगदीप धनखड़ भी हैं उस चेयर पे जो है कि उनकी अनुपस्थिति में चार लोग और बैठते हैं जिनको नॉमिनेट करते इस बार तो आठ लोग को किया है और डिप्टी चेयरमैन जो है हरिबंश नारायण सिंह वो भी बैठते हैं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भारत डायनेमिक लिमिटेड हैदराबाद इसके ए माधव राव है जो सारी की सारी वो बनाती है मिसाइल्स। इंडिया विमेंस वॉलीबॉल टीम के न्यू कोच रविंद्रन बंशटू हैं अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई नेवी ऑफिसर लीसा फ्रेंचेटी बनी है आप बताओ कि भारतीय महिला टीम के कोच कौन है हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और कोच हैं राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं वीवीएस लक्ष्मण सर इंटरव्यू बैच पे क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी सर हाँ बिल्कुल कल हमारे इंटरव्यू बैच की लॉन्चिंग है अब ये बताओ कि सुबह कर लें या शाम को कर लें क्योंकि शाम को तो हम लोग मैराथन इतनी कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि रात को ग्यारह बजे तक तो हम लोग ऐसे हम लोग की बैटरी डाउन हो जाएगी शाम को 5 बजे वो दक्षिणा रात को नौ दस ग्यारह बजे तक वो तो जो सुबह सुबह कर लिया जाए अगर आप लोग बताओ तो मुझे अनुमति दो तो सुबह कर ले नौ दस बजे सुबह नौ दस बजे कर लिया जाए अगर आप लोग बताओ दोस्तों एनी अवार्ड जो है आईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को मिला है हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड अमेरिका में अमी बेरा को मिला है एच आर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड इकोनॉमिक टाइम्स का एन को मिला है गोल्डन पीकॉक काक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन को मिला है और स्कॉच अवार्ड जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को मिला है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर ओके आई क्रिकेट वर्ल्ड कप में गोल्डन टिकट सबसे पहले अमिताभ बच्चन को जय शाह ने दिया है आईसीसी ने स्पॉन्सरशिप जो है दी है इंडस इंड बैंक को बीसीसीआई ने दी है आईडीएफसी बैंक को और एसबीआई लाइफ को भी क्रिकेट का जो है स्पॉन्सरशिप पार्टनर मिला है मास्टर कार्ड भी बना है पार्टनर ठीक है दोस्तों पब्लिक ग्रीवियांस को रिड्रेसल करने में पब्लिक ग्रीवियांस को दोस्तों खत्म करने में जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम नंबर वन पे है ठीक है दोस्तों ये जो पर्सोनल मिनिस्ट्री है ये जो पब्लिक ग्रीव्यांश और जो प्रसा जो है क्या कहते हैं इसको रिफॉर्म ये इसकी जो मिनिस्ट्री है प्रधानमंत्री जी के पास है और इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं आपके जितेंद्र सिंह जी लक्षद्वीप दोस्तों जो है यूनियन टेरिटरी में पब्लिक ग्रिव्यांश में टॉप पर है उसके बाद दोस्तों अगर स्टेट्स में बात की जाए तो यूपी टॉप पर है स्टेट्स में पब्लिक ग्रिव्यांश को लोक शिकायतों को ख़त्म करने के मामले में दोस्तों यूपी टॉप पर है ठीक है उसके बाद झारखंड है उसके बाद दोस्तों जो है मध्य प्रदेश है बड़े स्टेट्स में अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अभी स्मार्ट सिटी में कौन सा राज्य टॉप पर है तो एमपी टॉप पर है ओके बात समझ में आ रही है ओके दोस्तों आप लोग ये होमवर्क क्वेश्चन बताइए कि बिमस्टेक का कि इस बार की मीटिंग किस जगह पर हुई थी ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका बिम्स्टेक जिसे बे ऑफ बंगाल इनिशियल मल्टी टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं जिसमें एक दो तीन चार पांच छः सात मेंबर कंट्रीज मेंबर हैं जो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में बैंकॉक आई थी बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने देश हैं सब इसके हैं जैसे थाईलैंड बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है म्यांमार दोस्तों बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है श्रीलंका बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है इंडिया भी जुड़ा हुआ है और नेपाल भूटान को भी इसमें घुसा लिया गया है भूटान नेपाल बे ऑफ बंगाल से नहीं जुड़ा है लेकिन घुसा लिया गया है ठीक है फर्स्ट समिट जो है दोस्तों ये जो है थाईलैंड में हुई थी श्रीलंका इसका करेंट चेयर है ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है दोस्तों ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 22 परसेंट जो है वो करता है जीडीपी का दोस्तों जो है इसकी कंबाइंड जी डी ट्रिलियन की है वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स दोस्तों ये जो है आ, ट्रेड करता है सिक्स फोकस एरिया है ट्रेड टेक्नोलॉजी एनर्जी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड फिशरीज़ दोस्तों अभी आपने देखा कि कनाडा जैसे कि अमेरिका और इनसे दबाव डलवा रहा है भारत के ऊपर वैसे दोस्तों भारत भी जो है अपने सार्क मेंबर्स और बिमस्टेक मेंबर्स के द्वारा दबाव डलवा रहा है जैसे इंडिया के पक्ष में कनाडा को कौन घेर रहा है बांग्लादेश घेर रहा है तो जैसे भारत उनका ग्रुप है कनाडा यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया फाइव फाइव है उससे हमारा भी ग्रुप है दो सार्क है. 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सार्क के मेंबर्स को बुलाए थे सार्क के मेंबर्स में यही सारे मेंबर्स हैं बस इसमें थाईलैंड नहीं है, है ना और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान जुड़ जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है थाईलैंड भी नहीं होगा और आपका जो है म्यांमार भी नहीं होगा आपके सार्क में सार्क में कौन है तो जब पेन होता है तो आप एम बी बी एस डॉक्टर के पास जाते हैं मालदीव है भूटान है बांग्लादेश है श्रीलंका है पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल यानी कि दोस्तों ये जो मालदीव है ये इसमें नहीं है लेकिन इसमें है पाकिस्तान दोस्तों जो है इसमें नहीं है लेकिन इसमें है अफगानिस्तान दोस्तों इसमें नहीं है लेकिन इसमें है यानी ये सार्क जो 1985 में आई थी सार्क का जो मुख्यालय है दोस्तों ये काठमांडू में है और बे ऑफ बंगाल का जो मुख्यालय है ये दोस्तों बिम्स्टेक का मुख्यालय हेडक्वार्टर ये ढाका में है ये कहाँ पे है ढाका में है याद रखिएगा 2019 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बिम्स्टेक वालों को बुलाया था इसीलिए 2019 में राष्ट्रपति भवन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले नहीं आए थे जबकि 2014 में नवाज शरीफ और अशरफ घनी आए थे आज के समाचार समाप्त हुए क्या होगा सन्नों का देखते हैं अगले एपिसोड में